और ईदैन की नमाज के हवाले से बात करेंगे। सफा, शरई हैसियत क्या है और क्या मकसद है इसका? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईदैन चूँकि इजहार मुसर्रत का दिन है और दोनों ईदें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए अता फरमाई हैं ताकि हम शुक्राने नेमत भी करें और इसके साथ साथ खुशी का इजहार भी करें। सही। फिर इसके साथ हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि एक मुसलमान का इजहार मुसर्रत का जो तरीक़ा है वो पाकीज़ा भी होना चाहिए और जुदागाना भी होना चाहिए। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह अकदस में जब अहले मदीना ने यह अर्ज़ किया कि हम आपकी आमद से कबल, इस्लाम से कबल दो ऐसे दिन मनाया करते थे जिसमें हम खेल कूद किया करते थे, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जो तुम दो दिन मनाते थे उनसे बेहतर दो दिन तुम्हें अता फरमाता है और उनमें से एक ईद उल अज़हा है और एक ईद उल फ़ित्र है। ठीक है। तो ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तुम खुशी के दिन मनाया करते थे ये दो दिन उनसे बेहतर हैं, इसकी वजाहत में फिर ये कहा जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इन दो दिनों को उनके दो दिनों से बेहतर इसलिए करार दिया कि तफरीह तबाह का एहतमाम भी किया जाएगा जो कि शरीयत के दायरे में रहकर हो, लेकिन इस दिन की इब्तिदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सरबा सुजूद होकर की जाएगी ताकि एक जो मुसलमान का खुशी मनाने का अंदाज़ है वो इस तरह से हो कि उसमें इजहार खुशी भी हो और इजहार तशक्कुर भी हो जाए। यही वजह है कि जो ईद की नमाज़ है उसको मशरू करार दिया गया है और फ़िक़्ह हनफ़ी के जो मुफ्तबिही कौल है उसके मुताबिक मर्दों पर ईद की नमाज़ वाजिब है। और इसके साथ साथ अगर हम इसके सबूत की बात करें तो कुरान करीम में, हदीस मुबारक में, यानी सरकार अलैहिस्सलाम के मुतवातिर अमल से और इसी तरह इजमाए उम्मत से इसका सबूत हमें मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है सूरह कौसर में, फ़सल्ली लिरब्बिका वन्हर, यानी बस अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए और नमाज अदा कीजिए। अक्सर मुफस्सिरीन ने यहाँ पर बयान फरमाया कि इस नमाज से ईद की नमाज मुराद है और यकीनन वो एक मखसूस इबादत है जो मखसूस दिन में की जाती है। ठीक है। जहाँ तक मकासद का ताल्लुक है तो बाज़ मकासद तो बिल्कुल वाज़े हैं, मिसाल के तौर पर इबादत की रग़बत दिलाना और खुशी हो या गम हो अपने रब को न भूलना। यकीनन यही मकसद है कि बंदा अपने रब को किसी भी हाल में ना भूले, कितना ही खुश हो और कितना ही गमगीन हो। तो नमाज की तरफ हमें रगबत दिलाई गई ताकि हम नमाज की अहमियत को समझें। दूसरी बड़ा बात अच्छा इहाता कर दिया, कितना ही खुश हो तो नमाज़े ईद है और कितना ही गमगीन हो तो नमाज़े जनाज़ा, तो भी नमाज़े जनाज़ा का एहतमाम करें। बड़े इज्तिमात का एक फ़ायदा ये भी होता है कि उसकी बड़े इज्तिमात की वजह से मुलाकात का मौका मिलता है, एक रौब और एक जो है वो अहमियत को बड़े इज्तिमात जाहिर करते हैं। और वो अय्याम हमारे, जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि घरों में आपस में एक दूसरे से मुलाकात करने का भी मौका नहीं मिलता जी। लेकिन ये जो नमाज ईद की नमाज है जिनसे आप सारा साल नहीं मिलते हैं उनसे ईद की नमाज पर मिलने का आपको मौका मिल जाता है। नमाज के बाद जो मुलाकात होती है यकीनन वो आपस में मोहब्बत को बढ़ाने का खवातीन के हवाले से जरिया भी बनती है। फिर इसके साथ साथ ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का शुक्र हम अदा करें, यही हमें हुक्म दिया गया है। इसीलिए कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया कि तुम नेमतों का शुक्र करोगे तो तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। बेशक, यही वजह है कि ईद की नमाज का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता है ताकि हम शुक्राने नेमत में नवाफिल अदा करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से हमारी नेमतों में भी इजाफा फरमाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, मैं शामिल कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरी बहन हुमैरा बात कर रही हैं, कैसी हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह कुल्ले हाल। क्या सवालात लेके आई आज मेरी बहन? तीन सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या खवातीन किसी घर में जमा होकर ईद की नमाज अदा कर सकती हैं? ठीक है जी। और खवातीन इस हवाले से ना बहुत इसरार करती है कि हमें ना पढ़ने की इजाज़त मिल जाए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी ने नमाज जनाजा शुरू की, नीयत की, उसके बाद फौरन तोड़ दी तो ऐसी नमाज का क्या हुक्म होगा? ठीक है जी। नियत की और फिर तोड़ दी, ठीक है। और कोई सवाल? और अगर ना कोई नमाज जनाजा में सिर्फ तकबीरें ही लगाता है, अल्लाहु अकबर, तो इसके अंदर नमाज के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ता है तो क्या ऐसी नमाज जनाजा अदा हो जाती है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। अच्छा।
अपनी कौमी एयरलाइन PIA से सफर करें और हर सफर पर गोल सेव करें, अपने मुल्क और इदारों की तरक्की में साथ निभाएं। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code, then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.